our topic is determinants. ठीक है, मैट्राइसिस खत्म हो चुका है, स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स, इजी चैप्टर है. ठीक है, तो पहले समझते हैं व्हाट इज डिटरमिनेंट, देन क्वेश्चंस करेंगे, फिर समझेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिटरमिनेंट. व्हाट इज डिटरमिनेंट? ठीक है, तो उससे पहले काम करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल. क्लास 10 में पढ़ा था. ठीक है, सपोज वी आर कंसीडरिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1 x + b1 bar equal to c1, a2x plus b2y equal to c, right? This is a pair of linear equation, we put on the cluster, right? Achha, is system of equation ko kya matrix form mein aisa likh sakte hain? Matrix padha tha na wo? डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट इज क्या है?
number. In this case, determinant is the number associated with the matrix, with the square matrix. The square matrix what? राइट इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा दिस डिटरमिनेंट ऑफ किसका मैट्रिक्स ए के ऊपर इसका मतलब डिटरमिनेंट क्या है डिटरमिनेंट एक नंबर है कैसा नंबर है एक ऐसा नंबर है जिसका एसोसिएशन क्या होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ होगा इसका मतलब इसका रिलेशन किसके साथ होगा हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ होगा और डिटरमिनेंट हमको क्या देगा हमेशा एक नंबर देगा क्लियर है ठीक है तो ये तो एक समझने के लिए था कि हाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हमेशा सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए ही होगा नहीं और भी एप्लीकेशन हम करेंगे ठीक है और एक्चुअली फिजिक्स में यूज होगा आप देखेंगे ठीक तो ये आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था कि डिटरमिनेंट एक्चुअली क्या है डिटरमिनेंट इज व्हाट नंबर कैसा नंबर है जो एसोसिएट होगा किसके साथ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ठीक है तो देखते हैं हम डिटरमिनेंट कैसे इवैल्यूएशन करेंगे ठीक है तो बिफोर दैट आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट ठीक है तो ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था तो इसको नोट कर लेना ठीक अब हम डिटरमिनेंट को कैसे डिफाइन करेंगे ठीक है डिटरमिनेंट क्या है डिटरमिनेंट इज अ इट इज अ व्हाट नंबर ठीक है और वो नंबर क्या हो सकता है मे बी रियल और इमेजिनरी या कंप्लेक्स ठीक है तो डिटरमिनेंट इट इज अ नंबर रियल और इमेजिनरी व्हिच इज व्हाट associate with a square matrix ठीक है तो किसके साथ associate है एक square matrix के साथ और आप देखोगे कि जो NCERT में definition है वो भी यही बोलता है ठीक है NCERT क्या बोलता है to every square matrix ठीक है जो NCERT का definition है वो क्या बोलता है to every square matrix Every क्या square matrix, okay? Aij, we can associate a number, ठीक है? Real or complex, real or imaginary, complex हो सकता है, complex imaginary. Real complex call the determinant of square matrix ठीक है तो एनसीईआरटी में भी यही बोला क्या तो एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा वी कैन एसोसिएट ए नंबर एक नंबर होगा ठीक है वो नंबर रियल हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो सकता है राइट कॉल द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर मैट्रिक्स ए है स्क्वायर तो उसके लिए डिटरमिनेंट होगा और डिटरमिनेंट क्या देगा एक नंबर देगा उसी तरह अगर मैट्रिक्स बी होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा और वो हमको क्या देगा एक नंबर देगा और वो नंबर क्या हो सकता है इट मे बी व्हाट रियल और इट मे बी व्हाट कॉम्प्लेक्स ठीक है ठीक तो ये था डेफिनेशन ठीक है डेफिनेशन हमको जरूरत नहीं है ठीक है हम कोशिश करेंगे तब हमको समझ आएंगे ठीक है तो कुछ तो एटलीस्ट 10% होने से मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ तो डिटरमिनेंट हमको क्या देता है नंबर देता है ठीक है और वो नंबर किसके साथ एसोसिएट होगा हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही एसोसिएट होगा ठीक अब देखते हैं हाउ टू इवेल्युएट डिटरमिनेंट बिफोर दैट एक काम करते हैं कि अब डिटरमिनेंट को फंक्शन के वे में हम क्या करेंगे इसको डिफाइन करेंगे
in terms of function. ठीक, suppose एक function है f, ठीक है, और a2 क्या होगा m, ठीक. अब a क्या है, ठीक है, a क्या होगा, is a what, set of what, square matrices. ये क्या होगा, set of square matrices. और m क्या होगा, the number, ठीक है, और number क्या होगा, ये real भी हो सकता है और ठीक है. इसका मतलब जो डिटरमिनेंट है उसका डोमेन क्या होगा, हमेशा एक सेट ऑफ क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स. उसका रेंज क्या आएगा, हमेशा एक नंबर आएगा, तो वो नंबर रियल भी हो सकता है. क्लियर है? इसलिए मैंने लिखा फंक्शन फ्रॉम ए टू एम. ए टू एम मतलब हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और उसके हिसाब से क्या आएगा, मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यूज आएगा. और डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा एक नंबर होगा और वो नंबर क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कंप्लेक्स हो सकता है. क्लियर है? ठीक है, तो ये बता रहे था एक्चुअली, समझ रहे हैं आपको, ठीक है, ये फंक्शन के तरीके में कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन. डिटरमिनेंट क्या एक फंक्शन है, हाँ है, कब होगा, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ होगा, ठीक है, उसका डोमेन क्या होना पड़ेगा, हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा और रेंज क्या होगा, नंबर, ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है. क्वेश्चंस, जब मैंने बोला स्क्वायर मैट्रिसेस तो डिटरमिनेंट पढ़ने के लिए हमको हमेशा मैट्रिसेस की जरूरत होगा, लेकिन याद रखना वो मैट्रिसेस कैसा होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिसेस, राइट. और स्क्वायर मैट्रिसेस मैंने आपको बताया था मैट्रिसेस चैप्टर, राइट, नहीं देखा इस वॉच द वीडियो, ठीक है. तो अब जब मैं बोलूंगा स्क्वायर मैट्रिसेस, तो स्क्वायर मैट्रिसेस क्या क्या हो सकता है, 1 बाय 1 हो सकता है, ऑर्डर 2 बाय 2 हो सकता है, 3 by 3 हो सकता है, या 4 by 4 हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, राइट. अब लेकिन हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस से इसमें क्या है, हमको क्या पढ़ना है, हमको आपको इनके पढ़ना है, ठीक है. इसका मतलब जो स्क्वायर मैट्रिसेस होगा वो आपको तो क्या पढ़ना है, 3 by 3 तक ही पढ़ना है, हमको 4 by 4 की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है, वो हायर सेक्शन में करेंगे, ठीक है, आपका ठीक. अब सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट लेट मान के लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर है वो भी है ना, इसका ऑर्डर क्या है, 1 बाय 1, सही. अब स्क्वायर है तो इसके साथ क्या होगा, एक नंबर एसोसिएट होगा और उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट बोलेंगे. तो डिटरमिनेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कैसे दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन क्या होगा. सो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट्स डिटरमिनेंट इज गिवन बाय एस एल, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, या तो हम ऐसे लिखेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे, ठीक, ठीक है ना. सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज गिवन बाय, इसका मतलब हम कहीं पर ये यूज करते हैं लेटर, तो हमको समझ आना क्या बात कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ किसका बात कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए का. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बी होगा तो आई एम राइटिंग डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो ये क्या होगा डेल्टा, इसका मतलब ये क्या है, डिटरमिनेंट है, और ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए. याद रखना दिस इज नॉट मॉडुलस, ये मॉडुलस नहीं है, ठीक है, जैसे हम ये सिंबल क्यों यूज करते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ वाई, मॉडुलस ऑफ टू, ऐसा कुछ होता है, राइट. तो ये एक्चुअली इन केस ऑफ डिटरमिनेंट ये मॉडुलस नहीं समझाएगा, आपको क्या समझाएगा, ये डिटरमिनेंट समझाएगा, किसका डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है. इट मींस इन दिस थ्री वेज, इन दिस थ्री वेज आई कैन रिप्रेजेंट व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, ठीक. अच्छा, तो ये था रिप्रेजेंटेशन. अब हमको क्या चाहिए, इस डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, इसका, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट लिखने के साथ साथ ये साइन आपका हट जाएगा और सिंबल ऐसा होगा, याद रखना दिस वेरी इंपॉर्टेंट, हम डिटरमिनेंट लिखने के बाद ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है. हम किसका बात कर रहे हैं, उसमें डिटरमिनेंट का बात कर रहे हैं, किसका, मैट्रिक्स ए का, तो हम इसमें साइन कौन सा यूज करेंगे, ये होगा,
इसको मॉडुलस नहीं बोलते, ठीक है। अब यहाँ पे वन बाय वन है, एक ही एलिमेंट है राइट, अगर एक ही एलिमेंट है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, वही नंबर होगा, दैट इज 2 इज दैट सम। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, 2, ठीक है। अब यहां पे कंफ्यूजन क्यों होता है सर, अगर ऐसा कुछ हो मैट्रिक्स बी है और इसमें हम लिखते हैं -2, अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ठीक है, तो निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ बी, ऐसा होगा ये +2 मत कर देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आंसर क्या रहेगा, -2 ही रहेगा, इट्स वेरी गुड राइट। देखो बोलो क्या करते हैं, समझते हैं कि मॉडुलस है तो माइनस को हटा दें, प्लस इस साइड से जो गलत है, ठीक है। इसका मतलब ये 1 बाय 1 है, वेरी सिंपल 1 बाय 1, इसको n जो है वही है, ठीक है। अगर 2 है तो डिटरमिनेंट 2 होगा, -2 है तो डिटरमिनेंट -2 होगा, -3 है तो -3 होगा, ठीक है। सो दैट इज योर 1 बाय 1 स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं 2 बाय 2 में, ठीक है। तो ये था 1 बाय 1 के लिए, नेक्स्ट मूव करेंगे क्या 2 बाय 2 के लिए। अब डिटरमिनेंट इसके लिए होगा डिटरमिनेंट ऑफ 2 बाय 2 मैट्रिक्स, ठीक। तो डिटरमिनेंट ऑफ 2 बाय 2 इसके लिए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 होगा, है ना, 2 बाय 2। अब हमको इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो, तो सिंपल हम ये लिखेंगे 1, 2, 3, 4। अब इसके साथ एसोसिएट करते हुए नंबर निकालना, कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द रूल, रूल देखना, ठीक है। रूल क्या है, रूल हम पहले डायगनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज क्या होगा 1, 2, 4 माइनस जो बच गया, ठीक है, दैट इज कैसे हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या होता है 3 × 2 उसके बाद बाकी जो बचा उसके सामने, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हुआ, दैट इज माइनस, ठीक। अब सपोज देयर इज मैट्रिक्स बी -1, 2, -3, -4, अब डिटरमिनेंट क्या निकालना, बी निकालना, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट राइट एलिमेंट -1, 2, -3, 4, पहले क्या बताया था डायगनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, दैट इज -1 × 4 -1 × 4 माइनस, ये जो माइनस है वो फॉर्मूला में है, माइनस कौन सा है, माइनस ऑलवेज रहेगा, ठीक है। माइनस क्या होगा जो बच गया, क्या बचा, -3 × 2 -3, ये वेरी गुड, ठीक है, साइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो माइनस फॉर्मूला से ही है, ठीक है। और जो बाकी बचा एलिमेंट क्या बचा, -3 × 2 ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट इज -4 - -6 होगा, सो इट विल बी -4 + 6 - 2। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा, 2 होगा, ठीक। तो उसी तरह हम निकाल सकते हैं आराम से 2 बाय 2, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूं, जहां स्टार्ट विथ 3 बाय 3, ठीक है ना, यार Let's see another example. Say matrix C equal to -2, 0, 4, and 5. अब इसका determinant निकालो, कैसा matrix 2 by 2, तो rule क्या है, determinant of C equal to क्या हो जाएगा, diagonal element multiply होगा, तो -2 × 5 minus जो बच गया, ठीक है, 4 × 0, ठीक, क्या हो जाएगा -10 - 0, क्या है minus, determinant of C ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ सी या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर तो 2 बाय 2 मोस्ट वर्ल्ड क्लियर है, नाउ 3 बाय 3 करेंगे। अब 3 बाय 3 करने के लिए हमको थोड़ा सा रूल है, एक रूल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसको समझना है, ठीक है, और उसके बाद हम आराम से कर पाएंगे 3 बाय 3। और
इस एनसीईआरटी सिलेबस को मैक्सिमम 3x3 तक पढ़ना, उसके आगे आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 3x3, एक सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसका डिटरमिनेंट ये है, डिटरमिनेंट ऑफ क्या, अब कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैसे डायगोनल मल्टीप्लाई करने से नहीं चलेगा, ऐसे करेंगे तो बाकी एलिमेंट तो बच जाएगा, इसके लिए रूल है, ठीक है। अब रूल क्या है, उससे पहले रूल है साइन, ठीक है, देयर इज अ रूल फॉर साइन, तो ये मेरे हिसाब से मेरा रूल है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, तो ये बुक में एक्चुअली कुछ और तरीके से दिया हुआ, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ, ठीक। तो ये साइन कन्वेंशन है, अब ये प्लस माइनस प्लस क्या है, ठीक है। अब देखो तो 3x3 बोला मतलब क्या है, यहाँ पे रो 3 होगा ना, राइट, R1 होगा, R2 होगा और R3 होगा, राइट, और 3 कॉलम्स भी होगा, दैट इज व्हाट C1 होगा, C2 होगा और C3 होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो जब 3x3 आता है, जब 3x3 आता है इसका मतलब ये रो 1 रो 2 है, रो 3 है, ठीक, C1 है, C2 है और C3 है, तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है जब भी 3x3 होता है, 2x2 के लिए नहीं होता है, जब भी 3x3 आता है सबसे पहला सवाल है किसका हेल्प लेते हुए इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपांड करेंगे, इसका पहला निकालेंगे, ठीक है, बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ व्हिच रो और कॉलम, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको क्या लिखता हूँ, पहला तो ये फॉर्मूला है, डिसाइड व्हाट बाय व्हिच रो और कॉलम यू विल इवैल्यूएट, ठीक है, यू विल इवैल्यूएट द, ठीक है, पहले तो हमको ये डिसाइड करना है हम किस रो या किस कॉलम के हेल्प से इस मैट्रिक्स को हम इवैल्यूएट करेंगे टू फाइंड द डिटरमिनेंट, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं रो 1 से इसको इवैल्यूएट करूंगा तो मैं रो नंबर 1 का साइन कन्वेंशन यूज करूंगा, ठीक है, नहीं अगर बोलता कि रो नंबर 2 से करेंगे तो मैं रो नंबर 2 का साइन कन्वेंशन यूज करूंगा, एक मैं बोलता कि रो नंबर 3 से करेंगे तो रो 3 का साइन कन्वेंशन यूज होगा, अगर मैं बोलता हूँ कि कॉलम 1 से करना है तो कॉलम 1 का साइन कन्वेंशन यूज होगा, अगर मैं बोलता हूँ कि कॉलम 2 से करना है तो कॉलम 2 का साइन कन्वेंशन यूज होगा, इस तरह कॉलम नंबर 3 का। और एक बात, हम किसी भी रो या कॉलम से करते हैं इसको इवैल्यूएट, तो याद रखना डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा सेम ही आता है, ठीक है, फॉर दिस मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स के लिए है, किसी भी रो या कॉलम से इसको इवैल्यूएट करते हैं तो हमेशा डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स एक ही अलग अलग कर, ठीक है। अब इसको ध्यान रखते हुए हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, देखे जाओ। तो सबसे पहले हम काम करते हैं रो 1 का हेल्प लाइन, ठीक है, तो रो 1 का हेल्प लाइन है, तो आई एम राइटिंग व्हाट एक्सपांडिंग अलोंग व्हाट रो 1, तो साइन कन्वेंशन किसका लगेगा, रो 1 का लगेगा, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसा हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, राइट, ये ऐसा हो जाएगा, ये भी साइन चेंज, ये ऐसा, क्लियर है ना। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस 3x3 मैट्रिक्स बाय यूजिंग दिस साइन, ठीक है, तो एक्सपांडिंग अगर R1 करते हैं तो R1 में साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस, मतलब यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, पहला क्या है प्लस, प्लस उसके बाद देखो रो वन का एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, तो प्लस 1, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको इस रो
और इस कॉज को एलिमिनेट करना है. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई एम टेकिंग द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज वन. जब मैं फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करूंगा तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका लोकेशन क्या है? वन वन है ना, तो वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कलेक्ट करेंगे. क्या बच जाएगा मेरे पास? 5, 6, 8, 9 बचेगा ना. 5, 6, 8, 9 इसको हमको लिखना है. डिटर्मिनेंट फाइव सिक्स एट नाइन. समझ आया ना? उसके बाद आएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस, माइनस. दूसरा एलिमेंट कौन सा है? टू है ना, टू, तो माइनस टू. उसके बाद फिर डिटरमिनेंट आएगा. अब कौन कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट रहेगा टू, ये रो और ये रो एलिमेंट. तो क्या बचेगा मेरे पास? 4, 6, 7, 9. क्या बचेगा मेरे पास? 4, 6, 7, 9 हो गया. प्लस माइनस फिर आएगा प्लस. फिर कौन सा एलिमेंट रहेगा? 3, तो प्लस 3 आएगा. उसके बाद फिर आएगा डिटरमिनेंट. अब डिटरमिनेंट में कौन सा रहेगा एलिमेंट? 3 कौन सा रो में? फर्स्ट रो और थर्ड रो, उसको एलिमेंट करेंगे. क्या बचा मेरे पास? 4, 5, 7, 8. क्या बचा मेरे पास? 4, 5, 7, 8. क्लियर है आंसर? तो मैंने क्या किया? बाय एक्सपांडिंग R1 किया, और R1 में मैंने क्या साइन कन्वेंशन यूज किया? प्लस माइनस प्लस का. कैसे यूज करेंगे? पहला प्लस आएगा, उसके बाद देखना पहला एलिमेंट क्या है. 1, तो 1 आया. उसके बाद ये डिटरमिनेंट कहां से आया? बाय एलिमिनेटिंग दिस रो एंड दिस कॉलम. व्हाई दिस रो एंड कॉलम? बिकॉज़ 1, ये कौन सा पोजीशन है? पहला रो और पहला कॉलम है. तो इसका हम एलिमेंट को एलिमिनेट करते हैं, जो बच गया 5, 6, 8 है उसको डिटरमिनेंट करेंगे. उसके बाद आएगा माइनस. माइनस माइनस कौन सा एलिमेंट? सेकंड एलिमेंट 2, तो माइनस 2. उसके बाद कौन सा एलिमेंट होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. क्या बचा मेरे पास? 4, 6, 7, 9. 4, 6, 7, 9. फिर आएगा प्लस. प्लस आया प्लस 3, ठीक है. ये रो और ये कॉलम एलिमेंट. क्या बचा मेरे पास? 4, 5, 7. अब इसको इवेल्यूएट करना और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है. अब 2 by 2 तो आता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको, कितना हो गया? 5 into 9, 45. -8 into 6, ठीक है. फिर आएगा -2. 4 into 9, 36. -7 into 6, 42. +3, फिर 4 into 8, 32. -35, ठीक है. बस इवेल्यूएट करो आंसर आगे. राइट, तो कितना आएगा आंसर? इक्वल टू क्या बचा? 45 minus 8 is -3, -2, और ये क्या बचा? 36 minus 42 is -6, +3, ये कितना बचा? 3, 9. ओके, कितना? 35 minus 3 plus 12 minus 9. ठीक है, क्लियर है, ठीक है. अब हम रो 2 के हिसाब से उसको एक्सपांड करेंगे, हम देखेंगे सेम आंसर आएगा. सेम आंसर तो आना पड़ता है, ठीक है. अगर नहीं आया तो गलत, ठीक. तो उसको नोट कर लो, फिर देखते हैं बाय एक्सपांड करना. ओके, नाउ अब एक्सपांडिंग करना आप लोगों ने करा हुआ है. एक्सपांडिंग करना क्या करना है? एक्सपांडिंग करना जब एक्सपांड करो आर टू करेंगे तो साइन कन्वेंशन किसका यूज होगा? आर टू का यूज. साइन कन्वेंशन क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, ठीक है. तो एक्सपांड करो आर टू करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? पहला आएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस इसके एक्सपो. अब एक्सपांड करो क्या कर रहे हैं याद रखना, हम एक्सपांड करो क्या कर रहे हैं? आर टू. तो नाउ आई हैव टू टेक द एलिमेंट ऑफ पहला एलिमेंट क्या है? 4, तो -4 हो जाएगा. माइनस नया जाएगा साइन कन्वेंशन था, ठीक है. उसके बाद फिर आएगा डिटरमिनेंट. अब कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पे? तो 4, कौन सा? आर टू रो में है और सी वन कॉलम में, तो ये और ये एलिमिनेट अगर हो गया तो क्या बचा मेरे पास? 2, 3, 8, 9, ठीक है ना. ठीक, नेक्स्ट साइन कन्वेंशन के साथ आएगा प्लस. कौन सा एलिमेंट आएगा? 5 plus 5. डिटरमिनेंट कौन सा? डिटरमिनेंट ये और ये एलिमेंट, राइट. क्या बचा? 1, 3 और क्या? 1, 3, 7, 9, ठीक है ना.
उसके बाद आएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस, दैट इज माइनस, कौन सा एलिमेंट आएगा? सिक्स, डिटरमिनेंट अब सिक्स, कौन सा एलिमेंट? ये रो और ये कॉलम एलिमेंट क्या बचा? 1 2 7 8, 1 2 7 8. अब मैंने क्या बताया, इफ आई एक्सपेंडिंग अलोंग एनी रो और कॉलम द डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, राइट? एक्सपेंड करते इसको, माइनस फोर 2 × 9 = 18, माइनस 24, इसको करते हैं प्लस 5 1 9, माइनस क्या होगा 21 होगा ना, ठीक है? माइनस 6 1 × 8, माइनस 7 × 2 = 14, ठीक है? कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है, देखो इक्वल टू -4 × -6 प्लस 5 × -9 − 21 कितना हो जाएगा, 12 − 12 माइनस 6 × 6 क्या होगा, 8 − 14 − 6 तो कितना आएगा 24 − 16 + 36 तो कितना हो गया 60 − 60 = 0, सेम आया, ठीक है? मैंने आर वन से एक्सपांड किया था 0 आया, आर टू से एक्सपांड किया 0 आएगा, आर थ्री से कर लो 0 आएगा, ठीक है? अंदर ठीक है, इसको नोट कर लो, दैट आर एक्सपांडिंग ओवर आर थ्री, ठीक है? अब आप देखेंगे साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस यूज करेंगे, पहला आएगा प्लस, कौन सा एलिमेंट आएगा? पहला 7, फिर आएगा डिटरमिनेंट, कौन सा एलिमेंट आएगा? ये और ये एलिमेंट है ना, क्या बचा 3 5 6, ठीक? फिर आएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस, कौन सा एलिमेंट? 8, फिर आएगा डिटरमिनेंट, ये रो और ये कॉलम एलिमेंट कौन सा बचा 1 3 4 6, फिर आएगा साइन कन्वेंशन प्लस, कौन सा एलिमेंट 9, डिटरमिनेंट क्या आएगा? ये रो और ये कॉलम एलिमेंट तो क्या बचा 1 2 4 5, ठीक? अब कर लो कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा राइट, तो क्या होगा 7 2 × 6 है ना, माइनस 15 5 × 3 माइनस 8 1 × 6 माइनस 4 × 3 प्लस 9 1 × 5 माइनस 4 × 2, ठीक है? इवोल्यूशन करो क्या, देखो 12 − 5 − 3 तो 7 × −3 माइनस 8 × 6 − 12 कितना हो जाएगा माइनस 6 प्लस 9 × 5 माइनस 21 प्लस 48 माइनस 6 देख लो माइनस 48 प्लस 48, ठीक है? ठीक है ना, देखो ये तो मैं समझा रहा हूं, जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो हमको इतना एक्सपांडिंग करने का आरोन आठ बात नहीं करना, ठीक है? किसी भी एक रो या कॉलम से करेंगे, ठीक है? तो बार बार हम देखो एक्सपांडिंग करने क्या क्या आर वन आठ बात मतलब कितना तरीका हुआ मेरे पास थ्री वेज, फिर एक्सपांडिंग करने क्या करेंगे कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री कितना हुआ इस बार थ्री वेज, इसका मतलब एक 3 × 3 जो मैट्रिक्स है उसको इवेल्युएशन करने के लिए मेरे पास कितना वेज है 6 वेज, कितना वेज है मेरे पास 6, ठीक है? 3 रो के लिए है और 3 कॉलम के लिए, ठीक है? तो 3 रो हो चुका है, अब 3 कॉलम करेंगे, ठीक है? ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मैं चाहता हूं कि सब कुछ क्लियर हो जाए यहां पे, ठीक है? जब क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो करते हैं नाउ एक्सपांडिंग क्या करेंगे हम कॉलम नंबर 1 करेंगे, ठीक? तो रोल कर लो उसको,
वन, ठीक है, कॉलम नंबर वन का साइन क्या है? तो कॉलम वन का साइन कन्वेंशन देखो, ये साइन कन्वेंशन है प्लस माइनस प्लस, राइट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? पहला प्लस, कौन सा नंबर आएगा? वन। डिटरमिनेंट कौन सा होगा? ये एलिमेंट क्या होता है? फाइव सिक्स, एट नाइन। फिर आएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस, फिर डिटरमिनेंट माइनस कौन सा नंबर आएगा? फोर। फिर आएगा डिटरमिनेंट, ठीक है, ये रो और ये को एलिमेंट क्या होता है? टू थ्री एट नाइन, टू थ्री एट नाइन। फिर साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस कौन सा एलिमेंट आएगा? सेवन। फिर आएगा डिटरमिनेंट कौन सा एलिमिनेट? क्या बचा? टू थ्री फाइव सिक्स, टू थ्री फाइव सिक्स, ठीक है। एक्सपेंड करो इसको तो क्या बचेगा? एक्चुअली फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी एट माइनस फोर एटीन माइनस ट्वेंटी फोर, सही है ना? मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर प्लस सेवन टू इंटू सिक्स प्लस माइनस फिफ्टीन, सही है। Now we will put 45 minus 8, it will be what? Minus 3. Minus 4. Multiply with 18 minus 24. Minus 6. Plus 7. Minus 3. So let's try minus 3. Plus 24. Minus 21. So minus 24. Plus 24. That's what we see. Okay? Clear? So that is expanding around C1. अब एक्सपांडिंग करेंगे सी टू करेंगे फिर सी थ्री, ठीक, नोट कर लो उसको। जैसे मैं एक्सपांड करता हूं ऐसा सेम ही आता है, ठीक है, ऐसा चेंज नहीं होता। नाउ आई हैव डन विद सी वन, नाउ स्टार्ट विद सी टू, दैट इज एक्सपांडिंग अलोंग सी टू, ठीक। तो सी टू साइन कन्वेंशन सी टू का माइनस प्लस माइनस, ठीक। तो पहला आएगा माइनस, नंबर कौन सा आएगा? टू। फिर आएगा डिटरमिनेंट, राइट, कौन सा? ये रो ये कॉलम एलिमेंट क्या बचा? फोर सिक्स सेवन नाइन, सही है। फिर साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस, फिर कौन सा नंबर आएगा? फाइव। फिर डिटरमिनेंट में कहां से आएगा एलिमेंट? इसको एलिमेंट करेंगे इसको और इसको, राइट, कौन सा बचा? वन थ्री सेवन नाइन, करेक्ट है। फिर आएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस, कौन सा एलिमेंट? ए। फिर आएगा डिटरमिनेंट, कौन सा रो? ये रो, ये कॉलम एलिमेंट क्या बचा? वन थ्री फोर सिक्स, सही। बस इवोल्यूशन करो, कितना आएगा? माइनस टू, ठीक है, फोर नाइन जा थर्टी सिक्स माइनस फोर्टी टू प्लस फाइव वन इंटू नाइन, कितना आएगा? नाइन माइनस ट्वेंटी वन, सही है, माइनस एट। फिर सिक्स माइनस ट्वेल्व, करेक्ट, निकालो वैल्यूज कितना आएगा? इट इज माइनस टू इंटू माइनस सिक्स, सही, प्लस फाइव मल्टीप्लाई विद नाइन माइनस ट्वेंटी वन माइनस ट्वेल्व माइनस एट और आएगा माइनस सिक्स, सही है। तो कितना हो गया? ट्वेल्व माइनस सिक्सटी प्लस फोर्टी एट, तो सिक्सटी माइनस सिक्सटी दैट इज जीरो, ठीक है ना। इसका मतलब C2 में एक्सपांड किया हमने, क्या मिला आपको? जीरो मिला। R1 में क्या? जीरो। R2 में भी क्या? जीरो। R2 में भी जीरो, C1 में भी जीरो, C2 में भी जीरो और C3 में भी जीरो ही आएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो मेरा कर दिया जाए, ठीक है यहां तक, ठीक। तो नोट कर लो उसको। नाउ द लास्ट वन इज एक्सपांडिंग अलोंग हो जाएगा C3, क्या करेंगे C3 पे कर करेंगे। नाउ यूज द साइन कन्वेंशन ऑफ कॉलम नंबर थ्री, क्या है? प्लस माइनस प्लस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो साइन कन्वेंशन पहला आएगा प्लस, एलिमेंट कौन सा आएगा पहला? ये करेंगे ना इसका आंसर, तो थ्री आएगा। फिर डिटरमिनेंट कौन सा रो कौन सा कॉलम, क्या बचा? फोर फाइव सेवन एट, ठीक। साइन कन्वेंशन माइनस कौन सा एलिमेंट? सिक्स। डिटरमिनेंट
कौन सा ये रो ये कॉलम एलिमिनेट कर, अच्छा 1 2 7 8 फिर साइन कन्वेंशन प्लस कौन सा एलिमेंट 9 डिटरमिनेंट कौन सा आएगा ये रो ये कॉलम एलिमिनेट 1 2 4 5 सही है ठीक है कर लो सॉल्व कितना आएगा 3 4 into 8 32 -35 करेक्ट -6 1 into 8 -14 +9 1 into 5 -8 ठीक अब कर लो कितना आएगा 3 × -3 -6 × -6 + 9 × -9 कितना आएगा -9 + 36 - 27 तो -36 + 36 आंसर आएगा ठीक है बस तो यही बताना था कि हम 1 by 1, 2 by 2 और 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं 1 by 1 में कोई तकलीफ नहीं है ना 2 by 2 वेरी इजी 3 by 3 है कोई तकलीफ है नहीं जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा हमको याद रखना है ठीक क्लियर है तो पॉज कर लो एंड नोट इट डाउन Now, next is कुछ important rules है, ठीक है? ये rules मैंने लिखा, इसको ध्यान रखो हमेशा, मैंने दिल्ली में बता दिया, ठीक है? तो पहला क्या है? क्या बोलते हैं? For a matrix A, determinant of this is read as determinant of A, not modulus of A. तो मैंने बताया था, जब हम determinant बोलते हैं इसको, है ना? तो modulus नहीं बोलते। जैसे कि ऐसा कुछ अब स्क्वायर नहीं है ना इसका ऑर्डर क्या है 1/3 स्क्वायर नहीं है तो इसका डिटरमिनेंट भी पॉसिबल नहीं है ठीक है ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट ठीक नंबर 3 फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपांड द डिटरमिनेंट अलोंग द रो और कॉलम व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इसका जो एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में ठीक और नंबर 4 का भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में दैट इज द ए इक्वल टू के वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n और k क्या है k स्केलर है k क्या है स्केलर है The determinant of A is k to the power n into determinant of B, where n equal to 1, 2, 3. Order क्या हो सकता है? मैंने बताया था ना? हमारे सिलेबस में क्या करना हमको? Order 1 by 1, 2 by 2, या 3 by 3, जैसे बोलिए हमने यहाँ पर सुनिए, ठीक है? तो इन नेक्स्ट वीडियो इन दोनों का डिस्कशन करेंगे हम, ठीक? और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल आपका काम रहेगा इंट्रोडक्शन पढ़ो कैसे इवोल्यूशन करता है सीखो ठीक है तो देखते जाओ वीडियो ठीक है तो टिल देन टेक केयर है ना और अगर पसंद आया तो लाइक द वीडियो ठीक मिलते हैं